will help you to learn the science in very easy language. जब आप इस चैप्टर को पढ़ें, अपना जो रेड कलर की लाइंस अंडरलाइन की हुई हैं उनको ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपको चैप्टर को इजीली रीड करने में. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ये वीडियो आपके लिए दो लैंग्वेजेस में बनाई गई है ताकि आप इस चैप्टर को ध्यान से समझ सकें. सो आप लोग 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में. थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, कौन से थे जी हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड? यस, वो थे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिंस एंड मिनरल्स. ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ये कंपोनेंट्स फूड के हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनको क्या कहते हैं हम? न्यूट्रिएंट्स. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व. प्लांट अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, वो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते. वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे. ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अरे पौधे अपना भोजन बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है किन? द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडी. न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने के लिए, टू ग्रो बड़े होने के लिए, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज. कोई भी अगर पार्ट डैमेज हो गया है तो उसकी रिपेयर करनी है, उसको ठीक करना है. और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए लाइफ प्रोसेस के हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है. और फिर न्यूट्रिशन क्या है जो हमने चैप्टर के नाम में ही पढ़ा है? न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी. बॉडी की तरफ से फूड को लेना और उसको यूटिलाइज करना, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. बेटा देयर आर बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम दो मेन तरह के पढ़ते हैं. ऑटोट्रॉफिक. ऑटो आपको दिखाई दे रहा है, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रोफोज मतलब नरिशमेंट. सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस से, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक. जितने भी प्लांट्स हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो अपना फूड खुद बनाते हैं. और प्लांट्स और ब्लू ग्रीन इसलिए क्या हो गए? जी हाँ, ये हो गए ऑटोट्रॉफ्स. जो एनिमल्स हैं या अदर ऑर्गेनिज्म हैं, ये रेडीमेड फूड लेते हैं. कौन सा? जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं. तो इनको हम क्या बोलते हैं? हिट्रोट्रॉफ्स. बिल्कुल, हिट्रो मतलब अदर, दूसरों से भोजन ले रहे हैं, इसलिए हिट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉफोज मतलब अगेन नरिशमेंट. सो दिस इज़ द बेसिक टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग इन प्लांट्स. अरे भाई प्लांट्स अपना भोजन बनाते कैसे हैं? प्लांट के पास फैक्ट्री है. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. सारा भोजन बनाने का काम कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है. इसके लिए इसको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए. वो रॉ मटेरियल कहाँ से इसको मिलता है जी? वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? सॉयल से मिलते हैं. सॉयल आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स. रूट्स उन मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और कहाँ तक पहुँचा देते हैं? फैक्ट्रीज तक, ट्रांसपोर्टेड टू द बिल्कुल लीव्स. इससे पहले हम ऊपर एक ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है सेल्स. वैसे तो ये आपकी बड़ी क्लासेस में है, लेकिन हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं. जैसे एक ईंट, एक ब्रिक जो है बिल्डिंग की यूनिट होती है, वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है. सेल के तीन मेन पार्ट्स होते हैं बेटा, आपको एरो में दिखाया गया है. पहला सेल मेम्ब्रेन, डायग्राम में देखिए जो बिल्कुल बाहर वाली ब्लैक कलर में आपकी लाइंस ड्रॉ की हुई है, ये है सेल मेम्ब्रेन.
जो सेंटर में स्फेरिकल सा नज़र आ रहा है वो है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में डॉट डॉट लगे हुए हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म। चलो जी दोबारा वापस आते हैं हमारे प्लांट की फैक्ट्री की तरफ। लीव्स जिसने मिनरल्स और वाटर को लिया सॉइल से, रूट्स ने उसको ट्रांसपोर्ट किया लीव्स तक। नेक्स्ट आ गया जी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू टाइनी पोर्स। लीव्स के बीच में टाइनी पोर्स होते हैं जो हमें माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं। लीव्स इनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेके जाते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लीव्स तक, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। कैसे? पूरे प्लांट में बेटा वेसल्स होती हैं, नाड़ियाँ होती हैं, और इन प्लांट की वेसल्स को जो वाटर को लेके जाते हैं इनको हम बोलते हैं जाइलम। मेरे पीछे रिपीट कीजिए, इनको हम क्या बोलते हैं, जाइलम। नेक्स्ट आ गया बेटा जी द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट, क्या कहते हैं उसको, क्लोरोफिल। इस ग्रीन पिगमेंट की वजह से ही जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो पहली रिक्वायरमेंट थी वाटर एंड मिनरल्स जो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू अंदर लेके गए, ग्रीन लीव्स के पास एक पिगमेंट पहले ही है क्लोरोफिल, और फोर्थ सबसे ज़रूरी चीज़ लीव्स को चाहिए जी फूड प्रिपेयर करने के लिए, सन लाइट। सो तभी इसको नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन, फूड को सिंथेसाइज करना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। थस द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो सन ही सबसे मेन सोर्स है जिससे हमें सबको एनर्जी मिलनी है। लेकिन अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ही नहीं करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। तो क्या होगा अगर प्लांट्स ही भोजन नहीं बनाएंगे, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। पहले इधर देखिए, यहाँ दो चीज़ें कंबाइन कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से लिया, स्मॉल पोर्स टाइनी पोर्स क्या बोला था उसको, स्टोमेटा, प्लस वाटर कहाँ से लिया, सॉइल से थ्रू रूट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बिल्कुल लाइट ज़रूरी है, और ग्रीन पिगमेंट पहले ही उसके पास है क्लोरोफिल। इन चारों चीज़ों से मिलके प्लांट ने फूड प्रिपेयर किया, और उस फूड को क्या नाम देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। यस, हमने पीछे पढ़ा था ना कार्बोहाइड्रेट इज़ फूड कंपोनेंट है सिक्स क्लास में। सो प्लांट्स ने क्या प्रिपेयर कर लिया, कार्बोहाइड्रेट, और साथ में कौन सी गैस, ऑक्सीजन, जिसको प्लांट्स जो हैं बाहर निकाल देते हैं, फिर स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर निकालते हैं, और जिसे ह्यूमन बींग्स ले लेते हैं। नीचे ध्यान से देखिए, आपको एक पत्ता दिख रहा है, लीफ के बीच में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है जी, आपको दिखाया गया है एक स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा है, एक होल है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी और ऑक्सीजन बाहर जाएगी। अब ये बॉक्स में ध्यान से देखिए, आपको क्या दिख रहा है बेटा जी, सबसे पहले लाइट एनर्जी किसकी तरफ पड़ रही है, ग्रीन लीव्स पे। एरो को ध्यान से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, ऑक्सीजन बाहर आ रही है, क्लोरोफिल पहले ही है, वाटर एंड मिनरल्स रूट के थ्रू जा रहे हैं। इस डायग्राम को ध्यान से याद कीजिए। अब हमने तो पढ़ा था सिक्स क्लास में फूड कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, विटामिंस भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। स्टार्च को हम चेक कैसे करते हैं, अगेन आपने सिक्स क्लास में किया था, हम स्टार्च को टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोडीन टेस्ट। आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं, उसको जिस चीज़ में स्टार्च को चेक करना है उसके ऊपर डालते हैं। हम क्या करेंगे, कुछ दिनों के लिए प्लांट को सनलाइट से दूर रख देंगे और फिर उस पर आयोडीन टेस्ट करेंगे। हमें क्या नज़र आएगा, ब्राउन या ब्लैकिश कलर जो है वो शो करेगा, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अब सोचिए कि कुछ पत्ते भाई ग्रीन नहीं होते,
द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर. और इनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है. पत्ते का रंग चाहे कोई भी हो उसमें थोड़ी क्लोरोफिल होती ही है. नेक्स्ट आ गया बेटा जी, हम लोग कर रहे हैं दीज आर यूज टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स. जो फूड प्लांट ने बनाए वो सिंथेसाइज करते हैं अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स. नेक्स्ट हम थोड़ा सा बात करेंगे प्रोटीन और फैट बनाने के लिए प्लांट के पास नाइट्रोजन कहाँ से आएगा. नाइट्रोजन जो है प्लांट्स एटमॉस्फेयर में बेटा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है. प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release into the soil. हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है लेकिन प्लांट्स इसको डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकते. ये इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. किसकी हेल्प से? सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है, आगे जाके पढ़ रहे हैं, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम. आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम इसको. नेक्स्ट आ गया बेटा अदर्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. थोड़े से और मोड्स भी होते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं. जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना भोजन कैसे बनाएंगे. एक प्लांट है, दिस प्लांट इज कॉल्ड किस्किटा या अमरबेल. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट. कैसे फूड लेता है प्लांट से? ये देखिए आपको येलो येलो सा नज़र आ रहा है, सारी वेल फैली हुई है. ये किस्किटा है जो येलो कलर का है. ये क्या करता है, जिस पेड़ पे ये चढ़ जाता है, क्लाइंब कर जाता है, उसी से ये फूड लेता है. और जिस पेड़ पे द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स उसको हम बोलते हैं होस्ट. और ये खुद क्या है, पैरासाइट. लाइक मस्किटो हैं, मस्किटो हमारा खून चूस लेते हैं, वो भी क्या हैं, पैरासाइट हैं. नेक्स्ट, देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम. वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर और उनको खा जाते हैं. साइड पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है एक पिक्चर प्लांट, घड़े के जैसा एक प्लांट दिख रहा है. इसके ऊपर लिड है, मैंने सर्कल किया हुआ है, ढक्कन की तरह है. और लीफ ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है घड़े के जैसे. जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर आके बैठेगा ये फटाफट अपने लिड को, अपने ढक्कन को बंद कर लेता है और उस इंसेक्ट को क्या है, खा जाता है. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस कहते हैं. इसका मतलब जो आपको ये घड़े के जैसा दिखाई दे रहा है ये क्या है बेटा जी, ये है पिक्चर प्लांट. नेक्स्ट आ गया सेप्रोट्रॉप्स. सेप्रोट्रॉप्स आपने हमेशा देखा होगा ब्रेड पे उल्ली लग जाती है, साइड पे दिखाया गया है, फंगस लग जाती है. अरे फंगस क्या है, वो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग से लेती है. या आपने देखा होगा बारिशों के दिनों में फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस वुड पे ग्रो करने लग जाते हैं. या आपके पैकेट में मशरूम आते हैं, ये क्या हैं, ये हैं सेप्रोट्रॉप्स. These organisms are called fungi. They have different mode of nutrition. They secrete digestive juices on dead and decaying matter, convert it into a solution, and then they absorb the nutrients from it. और इस mode of nutrition को हम क्या कहते हैं, saprotrophic nutrition. और इन plants को क्या कहते हैं, saprotrophs. इसका मतलब क्या हुआ, जो mushroom है वो क्या है जी, saprotroph. fungi क्या है जी, saprotroph है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा कुछ चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं, दोनों का ही फायदा होता है. एक चीज़ शेल्टर और न्यूट्रिशन देती है, दूसरी रहने के लिए जगह देती है. इसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. फॉर एग्जांपल लाइकन्स, ये भी एक तरह की काई की तरह ही होते हैं. क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होते हैं इनके पास. एल्गल और फंगस दोनों साथ में रहते हैं. एल्गी क्या करेगी जी, बिल्कुल एल्गी फूड को प्रिपेयर करेगी. प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. इनको क्या चाहिए, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर चाहिए. क्योंकि इनसे क्या मिलेगा, NPK, नाइट्रोजन पोटाशियम एंड फॉस्फोरस. वी कैन ग्रो प्लांट्स
एंड कीप देम हेल्दी। अगर हम प्लांट्स को उनके न्यूट्रिएंट्स देते रहें तो ही वो अच्छे से ग्रो करेंगे, लेकिन जब हम काट देते हैं इनमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। हम मैंने पीछे आपको बोला था द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द सॉल्युबल फॉर्म। और ये राइजोबियम कौन से प्लांट में होते हैं जी? ये होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में। लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स, ये क्या करते हैं, इनके रूट्स में बैक्टीरिया राइजोबियम मिलता है जो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये भी क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं। ये बैक्टीरिया जो हैं ये रूट्स के ऊपर रहते हैं और उन्हें क्या प्रोवाइड कर देते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में पढ़ा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो प्लांट्स और ग्लूग्रीन एल्गी है, दोस विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ। नेक्स्ट प्लांट्स, थर्ड पॉइंट है, प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, क्लोरोफिल भी, सनलाइट भी, फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको क्या चाहिए जी, सोलर एनर्जी चाहिए। कौन सी गैस बाहर निकलेगी जी, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा सेप्रोट्रॉफिक एंड यस अदर इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इंसेक्टिवोरस प्लांट भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। सो इस चैप्टर में हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और नीचे दिए रेड वाले को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।